Just for me. सो हाय फ्रेंड, तो कैसे आप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राइडर पर। सोफे नाम की जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है होंडा एसपी 125 बेसिक्स बाइक के ऊपर ये वीडियो है। और ये जो मतलब रिव्यू करने जा रहा हूँ, ये ओनरशिप रिव्यू करने जा रहा हूँ, मतलब होंडा एसपी 125 बेसिक्स के ऊपर ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने जा रहा हूँ। और ये जो बाइक है मतलब कुछ मंथ हुआ है, खरीदा है, और उसके ही ऊपर मतलब ओनरशिप रिव्यू करूँगा। और क्या कुछ इसमें अच्छा है, क्या कुछ बुरा है, सब कुछ आपको वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना माई चैनल पर। इस राइडर पर ये पर जो रेड कलर के बटन आ रहा है इसको जरूर प्रेस कर दीजिए, और उसके बगल पर जो बेल आइकन है उसको भी ऑल में प्रेस कर दीजिए, क्योंकि क्या होगा, मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर आपके मोबाइल पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसके कारण बोल रहा हूँ भाई। और मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो इसराइडर 281 है, और उसमें जाके आप फॉलो कर सकते हो, ऊपर नया नया वीडियो का अपडेट देता रहता हो, उसके कारण बोल रहा हो। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके फॉलो कर सकते हो। सो चलते, और आपको अभी सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ, और आप इंजॉय करिए सिनेमेटिक शॉट, और उसके बाद मिलता हूँ सीधा बाइक के पास। बाय। सो गाइस, अभी आप बाइक देख सकते हो, और ये जो बाइक है ये होंडा एसपी 125 बेसिक्स बाइक है, और इसका जो कलर है ये आप देख सकते हो कि रेड कलर की ये बाइक है। और पहले आपको इसका हेडलाइट एक बार दिखा देता हूँ, और इसका जो हेडलाइट है फुल्ली एलईडी हेडलाइट दिया है कंपनी की तरफ से, मतलब आप बोल सकते हैं डबल एलईडी हेडलाइट जो होता है वही दिया है। और इसका जो लाइट का मतलब आप बोल सकते हैं व्यू पॉइंट जो है वो बहुत ही अच्छा है, 125 सीसी के हिसाब से कंपेयर करा जाए तो। और मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और इसके ऊपर मैं राइडिंग एक्सपीरियंस भी शेयर किया हूँ एक वीडियो में, वो भी आप जाके देख सकते हो, और मेरे चैनल पर है, और नहीं तो मैं एंड स्क्रीन पर दे दूँगा, आप जाके देख लेना। और अभी बात करते हैं इसका जो फ्रंट का ब्रेक है, ये डम ब्रेक वेरियंट के बाइक है, और डिस्क ब्रेक नहीं है, और मतलब इस बाइक में डम ब्रेक है। और इस बाइक में IBS ब्रेकिंग सिस्टम दिया है कंपनी के तरफ से, जो कि बहुत इफेक्टिव है। मैं खुद इसको मतलब कि राइड करके एक्सपीरियंस किया हूँ, और मेरे को मतलब पर्सनली बहुत अच्छा लगा इसका ब्रेक। और अभी बात करते हैं इसका इंजन को लेके, इसका जो इंजन है 125 सीसी का इंजन है। अब 125 सीसी के हिसाब से दूसरे बाइक के हिसाब से कंपेयर करा जाए तो इसका जो पावर है वो भी अच्छा खासा दिया है कंपनी वालों ने, और इसका जो इंजन का स्मूथनेस है वो बहुत ही अच्छा, मतलब बोल सकते हो कि 125 सीसी के दूसरे बाइक में इतना ज़्यादा स्मूथ इंजन नहीं आपको मिलेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। और इसका जो इंजन का एग्जॉस्ट नोट है वो भी बिल्कुल स्मूथ है, एंड मतलब जो इसका साउंड है बहुत ही स्लो है। और इसके साथ इसका जो सेल्फ है, मतलब सेल्फ आप जब दबाओगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आप मतलब इंजन स्टार्ट हुआ कि नहीं, ये मतलब बहुत ही अच्छा फीचर्स मेरे को लगा, मतलब कि अभी दिया है होंडा एसपी साइन में BS6 में, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा पर्सनली, उसके कारण बोल रहा हूँ। और आपको इंजन स्मूथ चाहिए, मतलब साउंड बहुत अच्छा चाहिए, तो आप 125 सीसी के हिसाब से आप ये बाइक खरीद सकते हो, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा मतलब एक आप बोल सकते परफेक्ट बाइक है, और इसको राइड लगभग 4 मंथ हो गया है जो चल रहा है वो मतलब खरीदा है, और ये अभी तक मतलब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और गाइस अभी बात करते हैं इस बाइक का एलईडी हेडलाइट को लेके। डबल एलईडी हेडलाइट होने के नाते इसका जो मतलब नाइट में इसका जो व्यू पॉइंट है वो उतना ज़्यादा खास नहीं है, मतलब आप बोल सकते हो एक एलईडी लाइट के हिसाब से ठीक ठाक है, और मेरे हिसाब से तो ये ओके है और उतना ज़्यादा खास भी नहीं है और उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। बस आपको एलईडी हेडलाइट बता दिया हूँ। और अभी बात करते हैं इसका जो कम्फर्ट लेवल है उसके ऊपर। और इसको आप जब मतलब राइड करोगे तब 125 cc के हिसाब से बोला जाए तो आपको जो इसका राइडिंग पोस्चर्स है वो सही लगेगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पिलियन के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि पिलियन का जो सीट है वो थोड़ा सा वाइड है, उसके कारण आपको मतलब पिलियन लेके जब जाओगे और पिलियन का कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगा और बिल्कुल सही जा पाएगा, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। और इसका जो मीटर कंसोल है ये है फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया है कंपनी वालों ने, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया, और इसमें बहुत सारे फीचर्स दिया है। और एक जो बढ़िया फीचर्स मेरे को लगा वो इको मोड, इसमें इको मोड दिया है। इको मोड में क्या होगा, आपका जो फ्यूल है वो सेफ होगा, उसके वजह से बता रहा हूँ आपको। इसमें गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, टाइम एंड उसके साथ एवरेज कितना देता है बाइक वो भी दिखाएगा, और इसमें रेंज भी दिखाएगा, मतलब आपका बाइक में कितना पेट्रोल है और उसके हिसाब से कितना किलोमीटर चलेगा ये बाइक वो भी आपको दिखाएगा, मतलब कि सब कुछ इसमें फीचर से अच्छा। और बस आपको सारे चीज़ बता दिया हो गाइस, और अभी बात चलते आपको एग्जॉस्ट नोट जो है इस बाइक का वो आपको सुनाता हूँ। सो गाइस अभी आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट भी सुना दिया हूँ। और ओवरऑल ये जो बाइक है इसको देखा जाए तो 125 सीसी के दूसरे बाइक के हिसाब से कंपेयर करा जाए तो ये बाइक बेस्ट है, और आप चाहो तो खरीद सकते हो, मेरा मतलब कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और बस यही आपको बोल रहा था, आपको सारे इस बाइक के ऊपर डिटेल्स मतलब ओनरशिप रिव्यू आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। और अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना माय चैनल पर इस रेयर पर। सो चलते हैं भाई, मिलूंगे ऐसे किसी बढ़िया वीडियो लेकर आपके साथ। और गाइस प्लीज़ ये वीडियो कैसा लगा है मेरे को कमेंट करके बताना, और बस चलते बाय, और मिलूंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, हैव अ गुड डे बॉयज, बाय।